बीजेपी सांसद व विद्याधर नगर से प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में आज विद्याधर नगर विधानसभा से प्रत्याशी विष्णु प्रताप ने अपना नामांकन वापिस लिया और अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर सांसद व विद्याधर नगर विधानसभा प्रत्याशी दिया कुमारी ने सभी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद व विद्याधर नगर प्रत्याशी दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं में महिला अत्याचारों को लेकर आक्रोश है। महिलाएं आगामी 25 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जिस तरह से इन 5 सालों में हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं घटी है, उसे देखकर स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह साफ होगी। कमल के फूल का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए, अपने लिए सुरक्षा लाए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा लाए, एक अच्छा भविष्य लाए और इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के सहयोगी नेता नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में वहां पर कहा, ये बेहद शर्मनाक है और ये और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि कैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने चुप्पी साधी है। मुझे इनके ये सहयोगी दल के नेता हैं और ऐसा बयान ये विधानसभा में देते हैं और इनके जो ये इंडी अलायंस के जो प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी हैं, दोनों के दोनों चुप हैं। लगातार आपने देखा है प्रियंका गांधी जी राजस्थान आती हैं, रणथंभौर जाती हैं, छुट्टी मनाने आती हैं, पिकनिक मनाने आती हैं, लेकिन एक भी पीड़िता के पास या उसके उसके दुख में कभी भी उनके ना तो मिलने गई, ना परिवार को दिलासा दिलाने गई, ना न्याय दिलाने की कोशिश की। तो राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना हम देख रहे हैं कि घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। 35,000 बेटियाँ हमारी न्याय मांग रही हैं लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है।